ये है पूरा बरसैनी विलेज। तो आप बरसैनी विलेज में यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं, और यहीं से जो है आप जब आते हैं तो वो ऊपर वहाँ ब्रिज है, ब्रिज से डायरेक्ट चढ़ जाएंगे तो कलगा, ये रास्ता जा रहा है पुलगा, और ये रास्ता आगे जाकर एक गांव और है तुलगा। तो पुलगा, कुलगा, तुलगा, ये तीन विलेजेस हैं। तो यहाँ पे सोचो लग्जरी और सारी एमिनिटीज मिल जाएं तो भूल जाना। ये यहाँ पे इसको जलाने लग रहे हैं। तो ये जो खड़े हैं हमारे साथ, ये हैं इन प्रॉपर्टी के ऑनर, और ये जो है ये है एवरग्रीन कलगा पार्वती वैली के नाम से। जब आप आते हैं ओवर द टॉप ये है, और जो जैसे मैंने आपको ओवरव्यू तो करा ही दिया है यहाँ का, कि जो ये है एप्पल गार्डन के बीच में ये लोकेटेड है। बाकी आप बता दीजिए दुली चंद जी कि जो सीज़न रहता है यहाँ पे वो पीक सीज़न कब रहता है? जैसे मार्च अप्रैल के बाद, अप्रैल से लेकर। तो आप क्योंकि यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है वो 2-3 महीने के लिए रहती है, और चार चार फुट जैसे बताया आपने, चार चार फुट जो है वो रहता है, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और गाड़ी इनको बोल दीजिए कि बरसैनी में खड़ी करें उस टाइम, अगर आप गाड़ी बरसैनी में खड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अगर यहाँ पे बीच में स्टक हो जाती है, फंस सकती है, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसलिए आप बरसैनी में ही गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। हाँ, साइड में आप जब भी, और यहाँ की जो भी डिस्क्रिप्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्ट इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जब भी आते हैं, और नहीं तो मेरे रेफरेंस के थ्रू भी आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खाना एक नंबर का है, हॉस्पिटैलिटी जो है वो एक नंबर की है। तो आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू हैव यू डिड हियर, और आप आओ और यहाँ के ओवरव्यू, यहाँ के खाने, यहाँ की ब्यूटी और इनकी हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करो। हरा दिया तो भाई, हरा दिया आदि ने, बहुत तेज भागता है, बहुत तेज भागता है ना। ओ माय गॉड, अब क्या खेलेगा आप बताओ? अब भागने का दूसरा गेम, चलो वेट, अब हम गेम खेलते हैं। यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, अब क्या करना है? हमें 5 पत्थर लेने हैं। तो बर्फ दिख रहा है, इस पे जो ज़्यादा मार देगा वो जीत जाएगा। सो ये जब ये बर्फ टूट जाए तब वो जीत जाए। नहीं बस मारने, 5 पत्थर खा ले। हाँ? 5 पत्थर खा ले, आपने हिट करना है टारगेट को बस। 2, 3, 4, 5। देखो क्या लेके आया, देखना। अबे ये नहीं फेंका जाएगा वहां तक, यहाँ से छोटा लेना है, 5 उठा दे ऐसे, इतने यही वाले दे देना ना इसको। 5 तू ये ले, यहाँ रख रहा हूँ। तो भाई अब हमारी डाउन स्टेयर ट्रैकिंग हो रही है, अब हम नीचे उतर रहे हैं। फिलहाल कलगा को कह रहे हैं बाय, अभी बाय नहीं हो पाया क्योंकि वे ही है यार, और यहाँ से 20 मिनट्स की जो है नीचे तक ट्रैक है बरसैनी तक। तो बरसैनी में हम पुलगा डैम को क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हाँ हमारी क्रेटा है, अभी क्रेटा के पास इसको जाना है। क्रेटा बेटा यहाँ से है अभी 20 मिनट्स अवे। यहाँ पे भी देखो स्टीप बिल्कुल जो है उतरने का, ये देखो खड़ा हर जगह, मतलब आपको रास्ते खड़े ही मिलेंगे भाई। और उतरते हुए ना सारा प्रेशर जो आता है ना आपकी काफ मसल्स पे आता है, क्योंकि आपको अपने वेट को रोकना पड़ता है। अभी तक हमारा डाइसी चल रहा है, गाड़ी में बैठेंगे
जब स्टीयरिंग हाथ में आएगा तो डिसाइड करेंगे कि अब हमें आगे कहाँ चलना है, कहाँ ब्रेक लगाने हैं, कहाँ स्टे करना है नेक्स्ट। तो अभी तक कोई प्लान नहीं है यार, तो फिलहाल चलते हैं, पहुँचते हैं नीचे तक, और जो भी प्लान रहता है जहाँ जाते हैं अप टू डेट रहते हैं। सो ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस डाउन स्टेयर ट्रैकिंग का हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमारे आदि ओ आराम से बैठा है यार 10-15 मिनट के लिए। हमने कहा 10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर 5 मिनट का स्टे ले लेते हैं, क्योंकि बच्चा है शायद ये बोले ना, लेकिन हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये स्टॉप ले लेके थोड़ा थोड़ा ये चलता रहे। और ऑलमोस्ट नीचे आ गए हैं, ये नीचे वाटरफॉल, और ये जो रास्ता दिख रहा है ये सीधा निकलेगा आपका, वो आप देख रहे हैं विलेज, वो है बरसैनी। तो अभी हमें पहुंचना है बरसैनी, बरसैनी में हमने गाड़ी पार्क की हुई है, वहां से गाड़ी लेके निकलेंगे। कल हमने यहां पार्क नहीं की जानबूझकर, क्योंकि प्रेडिक्शन थी कि स्नोफॉल हो जाएगा, स्नोफॉल हो जाता तो ये रास्ता सारे कच्चे हैं, गाड़ी स्टक हो जाती और अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ कोई नहीं आता गाड़ी को निकलवाने के लिए। तो बस अभी पहुँचने वाले हैं, नीचे पहुँचते हैं और चलते हैं बरसैनी। तो पुलगा कुलगा तुलगा ये 3 विलेजेस हैं। तो यहाँ पे सोचो लग्जरी और सारी एमिनिटीज़ मिल जाएँ तो भूल जाना, ये सिर्फ उनके लिए है जो जिनको ट्रैक पसंद है और जो हर एक कंडीशन में इजीली रह सकें। पीसफुल जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, रहने के लिए जो है आपको 600 से लेकर 1000 रुपये तक आपको अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको चॉइसेस मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डाउन साइड है, ऐसा नहीं है, आपको खाने पीने के लिए ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलेंगी, और हाँ मिलेंगी फ्रेश, क्योंकि ताज़ा बनाते हैं, इतने ज़्यादा टूरिस्ट होते नहीं हैं, तो सिर्फ वहीं बना के सिर्फ आप ही के लिए स्पेशल बनाते हैं। तो बहुत अच्छा है यार, और ही चेंज हो गया ऊपर और नीचे में, मेरा मन नहीं था वहाँ से आने का, और आपके लिए तो रिकमेंडेड है ही, मैं खुद भी दोबारा यहाँ पे ज़रूर आऊँगा और 3-4 दिन स्पेशल यहीं रुकूँगा यार। बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह यार। तो बस 2 मिनट की और ट्रैक रह गई है, फिर पहुँचते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। सब अनप्लान्ड है, कुछ भी प्लान नहीं है, प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो चलो चलते हैं, हवा चलने लगी यहाँ पे अच्छी खासी, और कल से ज़्यादा मौसम आज ख़राब है, तो होपफुल आज तो हो जाए यार स्नोफॉल। चलो देखते हैं फिर आगे।